श्रद्धा भाव भक्त का प्रतीक है नवरात्र मेला। यूपी के मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के धाम विंध्याचल में आगामी अप्रैल में 2022 की मध्य रात्रि से प्रारंभ होने वाले 9 दिवसीय चैत्र नवरात्र मेला तैयारी के दृष्टिगत विंध्याचल प्रशासनिक भवन में आयुक्त विंध्याचल मंडल योगेश्वर राम मिश्र के द्वारा जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लचकार, उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह एवं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की गई। बैठक के पूर्व सभी अधिकारियों के द्वारा मेला क्षेत्र के पुरानी VIP एवं न्यू VIP मार्ग कोतवाली गली, चामुंडा गली, पक्का घाट मार्ग, मंदिर परिक्रमा पथ आदि का भ्रमण कर निरीक्षण लिया गया। बैठक में सर्वप्रथम मंडलायुक्त ने उपस्थिति सभी अधिकारियों को होली व चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की हार्दिक बधाई व शुभकामना दी। पेश है मिर्जापुर से सुधीर सिंह की खास रिपोर्ट। के लिए निरीक्षण किया, क्या कमियां पाई और कितनी तैयारियां अभी तक हो पाई? देखिए, माँ विंध्यवासिनी देवी का यहाँ पर मंदिर है और 1-2 तारीख की जो मध्य रात्रि है उससे नवरात्र शुरू हो रहे हैं और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और पिछले वर्षों में 30 से 35 लाख श्रद्धालु 9 से 10 दिनों में आते रहते हैं। अब के हम उससे भी अधिक संख्या में श्रद्धालु की उम्मीद कर रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे सभी विभागों के साथ बैठक करी है, जिसमें PWD, बिजली विभाग, जल निगम और नगर पालिका वगैरह के सभी के अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे और सभी को साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, मंदिर में दर्शन की उचित व्यवस्था, पुलिस की उचित व्यवस्था, क्राउड कंट्रोल की व्यवस्था, इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल यहाँ पे डिस्कस हुआ है। तैयारियों के बारे में चर्चा हुई है, सभी अधिकारियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कॉरिडोर का कार्य चल रहा है, उसका भी निरीक्षण करके उसमें हमने आवश्यक निर्देश दिए।